Assalamu alaikum. Dear students and viewers, I am Muhammad Shahzad Tabassum, Assistant Professor of English, Government Postgraduate College, Karur. प्यारे बच्चों, आप सबको इल्म है कि कोविड 19 या कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है. ये एक पेंडेमिक है और इससे बचने के लिए डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बेहद ज़रूरी है. तो ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने की वजह से हमारी ज़िंदगी का रुख तब्दील हो गया है, बल्कि लगता है कि लाइफ हैज़ बिन क्रिपल, इट्स टेम्पोरेरीली सस्पेंडेड. तो इस हवाले से ज़ाहिर है बच्चों का तालीमी सिलसिला भी मुतासिर हुआ है कि स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को क्लोज़ कर दिया गया है ताकि जो है वबा ना फैले और बच्चे अपने घरों में महफूज रहें. तो आपसे भी ये अल्तमास किया जाता है कि आप भी अपना ख्याल रखें, घर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ खातिर रखें और घर रह के जो है अपना तालीमी सिलसिला भी जारी रखें. तो आपको पढ़ाने के लिए हमने भी ऑनलाइन लेक्चर्स का एहतमाम किया है. तो मैंने भी आज अपना पहला लेक्चर जो है कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है और ये लेक्चर जो है क्लास फोर्थ ईयर के तालिबे इल्मों के लिए है. क्लास फोर्थ ईयर के तालिबे इल्मों को याद होगा कि कोविड 19 के आने से पहले हमारी कॉलेज की क्लासेस जो हैं वो रेगुलर चल रही थी. हम जो है बीए की किताब एन एंथोलॉजी ऑफ लिविंग इंग्लिश प्रोज जो है वो पढ़ रहे थे. कुछ लेसन्स हमने पढ़ भी लिए थे जिनमें लिबरेटर, थ्री डेज टू सी, शूटिंग एन एलिफेंट, वर्क, ऑक्स, ये सारे लेसन्स हमने पढ़ लिए थे. अब हम ये सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से ये टूटा था और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा सिलेक्टेड स्नॉबरीज बाय अल्डुअस हक्सले. तो पहले मैं आपको हक्सले का तारुफ करवा देता हूँ. हक्सले जो है वो एक नावल निगार था या नावलिस्ट कह लें, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक अफसाना निगार था, एसेस्ट, इंशा परदाज था, बायोग्राफर, उसने बहुत सारी सवानी उम्रियाँ भी लिखी थीं, ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल और इंतहाई आला जहानत का मालिक था, बल्कि उसे फ़िलासफ़र कहा जाता और उसका ताल्लुक जो है एक मशहूर व मारूफ ख़ानदान से था कि उसका फादर जो है वो एक मशहूर मैगज़ीन का एडिटर था. उसके दादा टीएच हक्सले जो हैं वो एक साइंटिस्ट थे और मशहूर विक्टोरियन पोइट मैथ्यू आर्नल्ड भी उसका मैटरनल अंकल था. तो हक्सले ने बहुत सारे नावल लिखे जो बेस्ट सेलर्स हैं और अभी पढ़े जाते हैं इंतहाई शौक से. उनमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है वो उसका सबसे मशहूर नावल है. इसी तरह से पॉइंट काउंटर पॉइंट, आइलेस इन गाज़ा, न्यू वर्ल्ड एंड आइलैंड नावल्स के साथ साथ आपको बताए वो प्रोज राइटर भी था और उसने बहुत सारे मजामीन भी लिखे. तो ये जो मजमून हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इसमें वो कुछ मंतखब नुमाइश पसंदियों का मजाक उड़ाता है. अब हम आते हैं बेटा टेक्स्ट की तरफ. ये टेक्स्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ठीक. और अगर आप जो है चाहते हैं कि आपको समझ आए और फिर आप तवज्जो से सुने और कोशिश करें कि आप अपनी टेक्स्ट बुक भी अपने साथ रख लें. और जो बातें मैं आपको बताता जा रहा हूँ या मुश्किल अल्फाज के मानी जो मैं बताता हूँ वो आप साथ साथ लिखते जाएं, इस तरह से आपको जो है सबक तैयार करने में बेहद आसानी होगी. अब देखते हैं बेटा. सिलेक्टेड स्नॉबरीज, सिलेक्टेड कहते हैं चूज फ्रॉम अदर्स कि जिनका हम इंतखाब करते हैं, या स्पेशली चोजन के जिन्हें हम जान बूझ के मंतखब करते हैं. और स्नॉबरीज कहते हैं स्नॉब्स बिहेवियर को,
नुमाइश पसंदी के लिए। स्नॉब कहते हैं एक ऐसे शख्स को हु लुक्स डाउन ऑन अदर्स, जो दूसरों को खुद से कमतर गर्दानता है या समझता है। या समबॉडी हु फील सुपीरियर, जो एहसास से बढ़तरी में मुबतला होता है। तो हम इसका उर्दू तर्जमा करेंगे, मुंतखब नुमाइश पसंदियाँ। अब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑल मैन आर स्नॉब्स अबाउट समथिंग। स्नॉब्स कहते हैं वेन्स को, कि हर इंसान ही शेखी खोरा होता है, कि शेखी बिगाड़ना जो है वो इंसान की फितरत में शामिल है, या इट्स सेकेंड नेचर टू मैन। वन इज ऑलमोस्ट टेम्प्टेड टू ऐड। टेम्प्टेड कहते हैं डिजायरस को या विशिंग को, बल्कि दिल करता है कि बंदा ये भी कह डाले, देर इज नथिंग अबाउट विच मैन कांट फील स्नॉबिश, कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे फखर का इजहार ना किया जा सके। विद दिस वर्ड डाउटलेस बी एन एग्जेजरेशन। डाउटलेस कहते हैं विदाउट एनी डाउट, और एग्जेजरेशन कहते हैं मुबालका आमेजी को। आप इसे एम्प्लीफिकेशन कह सकते हैं, ओवर एस्टिमेशन कह सकते हैं, ओवर एम्फेसिस कह सकते हैं, हाइपरबोले कह सकते हैं, या हाइटनिंग कह सकते हैं। मतलब अगर ये बात भी मुबालका आराई से कम नहीं होगी कि ये भी एक स्वीपिंग या जनरलाइज स्टेटमेंट होगी। देयर आर सर्टन डिसफिगरिंग एंड मॉर्टल डिजीजेस। सर्टन कहते हैं सेवरल के लिए, डिसफिगरिंग कहते हैं डिफॉर्मिंग को या डिफिगरिंग को, मॉर्टल कहते हैं फेटल को या मोहलिक को, डिजीजेस कहते हैं डिसऑर्डर्स को या एलिमेंट्स को, बीमारियों को, अबाउट विच देयर हैज प्रोबेबली नेवर बीन एनी स्नॉबरी, प्रोबेबली एज इज लाइकली। उसने कहा क्योंकि कुछ ऐसी मोहलिक बीमारियां हैं जिनके बारे में कभी किसी को शेखी बिगाड़ते हुए नहीं देखा गया, तो इसलिए उसने कहा यह कहना कि हर चीज के बारे में शेखी बिगाड़ी जा सकती है, ये जो है ओवर जनरलाइजेशन है या मुबालगा आमेजी है।